Good afternoon, class. How are you? Yes, good afternoon, everyone. How are guys? So, am I clearly visible and audible to everyone? Please confirm. Am I clearly visible and audible to everyone? Yes, guys. Please confirm. So, dear students, welcome to An Academy India's largest online learning platform. And subscribe An Academy right now. आज ही डमी को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइड डेली आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं और इन लाइव क्लासेस में आप एकदम अपने एजुकेटर अपने क्वेश्चंस अपने डाउट अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं जस्ट लाइक द रियल क्लासरूम जैसे एक रियल क्लासरूम प्रोग्राम में आप अपने टीचर से अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं वाइल्ड सेशन इज गोइंग ऑन इन द सेम इन लाइव क्लासेस में भी आपको बिल्कुल रियल क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा यू विल गेटिंग स्ट्रक्चर कोर्स जिसमें टॉपिक एकदम बेसिक से अप टू एडवांस लेवल तक यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर कवर किया जाता है

सो डियर स्टूडेंट्स यू विटिंग क्लासेस फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी आप अपने पसंद के एजुकेटर्स अपने टाइम अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं राइट नाउ देर आर फिफ्टीन थाउजेंड प्लस कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन एन अकेडमी एंड यू कैन एक्सपीरियंस दोज कोर्सेज बाय जस्ट डाउनलोडिंग दिस एप एंड सब्सक्राइबिंग एन अकेडमी सो गाइज माई सेल्फ गौरव गुप्ता आई एम ऑथर में मोटिवेटर हैवे एक्सपीरियंस ऑफ एट ईयर्स

डी एस स्टूडेंट्स थाउजेंड से ज्यादा so, रुपीज और जी जी टेन कोड अपलाई करते ही आपको इंस्टेंटली टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा जी जी टेन कोड लगाना मत भूलिएगा और मैं ऐसे ही दूसरे को हेल्प करते रहे राइट एंड गाइज इज इन दिस वे आई विल बी एबल टू गाइड यू फर्दर जी जी टेन कोड अप्लाई जो करेगा इस चीज में वेन यू जाएगा आपकी फीस हो डिस्काउंट सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज पर टू एक लेटेस्ट एडवांस प्रोग्राम है जिसमें आपको प्लस कोर्स के तो सारे फीचर मिलेंगे ही मिलेंगे लेकिन इसमें सबसे इंपोर्टेंट थी पर्सनल कोच

जस्ट ज्वाइन एट राइट नाउ बिकॉज दिस इज द राइट टाइम अब एक ऑर्गेनाइज वे में एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ने का टाइम आ गया है सो यू कांट अफोर्ड टू यू नो एक्सपेरिमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो सिरली प्रिपेयर करना स्टार्ट करिएगा इस सो अन अकेडमी की आइकोनिक जीएस और यूपीएससी सी एस सी ऑप्शनल की कंबाइंड फीस है कॉम्बो कोर्स की वन लैख थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन रुपीज और जी जी टेन कोड अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटली आपको इस केस में मिलेगा ट्वेंटी नाइन परसेंट का डिस्काउंट और आपकी फी होगी नाइनटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी रुपीज सोज लेटेस्ट स्टार्टअप्टर नाउ तो चैप्टर इज द आर्टिक और पोलर क्लाइमेट अब आर्टिक और पोलर क्लाइमेट का मतलब है एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई यहां पे एक्सट्रीम कोल्ड होगा ठीक है ग्लेशिएटेड रीजन होगा देन परमाफ्रॉस्ट कंडीशन होंगी परमा फ्रॉस्ट क्या है परमानेंटली फ्रोजन सॉइल तो परमाफ्रॉस्ट कंडीशन यहां पे आपको मिलेंगी देन इसके अलावा आपको यहां पे जो मतलब एनिमल्स जो मिलेंगे कौन होंगे जैसे कि पोलर बियर ठीक है पोलर बियर तो पोलर बियर मिलेगा आपको नॉर्दर्न नॉर्थ साइड में और जो आपकी सील होती है ये बेसिकली आपको कहाँ पे मिलेगी एंटार्कटिक वाले रीजन में ओके पोलर बियर जो होता है इन्होंने अपने को अडेप्ट किया इस रीजन के अकॉर्डिंग तो इसका जो फर होता है वो वाटर प्रूफ फर होता है यानी कि जब पानी में अगर कूदता भी है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इजीली इसके वाटर ड्रॉपलेट्स गिर जाते हैं इसकी बॉडी से एब्जॉर्व नहीं होते इसकी बॉडी के हेयर पे ओके और दूसरी चीज क्या है जो पोलर पोलबीयर होता है पोलर इर ऑल्सो हैव फिन यानी कि जो इनकी फिंगर्स है इन फिंगर्स के बीच में गाइज पोलर ईयर की स्किन होती है ताकि ये इजिली स्विम कर सके तो ये क्या है एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेबिलिटी किया है ये राउंड शेप के हाउसेज होंगे एंड इनके जो डोर्स है ये बेसिकली हमेशा ईस्ट की तरफ ओपन हो रहे होते हैं क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे विंड चलती है और ये विंड है आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड के साथ पर्सन को इंजर कर सकते हैं हेलो पंथ आर यू हाउ आर यू ओके देन इसके अलावा यहां पर और जो एडिशनल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो वेजिटेशन है तो वेजिटेशन में यहाँ पर आपको मोसिस एंड लाइचेंस देखने को मिलेंगे तो ये क्या है बेसिकली स्मॉल टाइप हम कह सकते हैं कि एक तरह की झाड़ी टाइप की चीज़ें ठीक है थीके? तो बहुत ही मतलब छोटी टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी टॉल ट्रीज विल नॉट बी फाउंड हियर ओके ये चीज़ है तो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है हॉस्टाइल कंडीशन है एंड यहाँ पे इस रीजन में क्या होगा गाइज इस इन, इस इस रीजन में बेसिकली एलबीडो भी काफ़ी ज़्यादा होगा एलबीडो क्या होता है गाइज कि ग्लेशियर है और स्नो ये जो सनरेज रेज है इससे स्ट्राइक करेंगे और वापस मूव कर जाएंगे सनरेज की रिफ्लेक्शन बैक ठीक है रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ सनरेज रेज तो दिस इज कॉल्ड एल प्रोसेस तो ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस एल का आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड सन रेज यहाँ पे काफ़ी क्लोज है लेकिन सन रेज एकदम वर्टिकल भी पड़ रही है एक छः महीने के लिए राइट लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इतनी ठंड है क्यों रहती है उसका एक सिंपल रीज़न है गेज कि मैक्सिमम सन रेज इंसोलेशन जो है वो एब्जॉर्व हो जाता है ग्लेशियर्स के मेल्ट करने के लिए या फिर एल प्रोसेस में एल जो है वो सन रेज वापस चली जाती है सो लेटर स्टार्ट दिस द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज फाउंड मेनली इन नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न एमोस्फियर The ice caps are confined to Greenland and to the highlands of these high latitude regions where the ground is permanently snow covered. <coughs> the permanently snow covered ka kya ho gaya? permafrost. We can call this permafrost condition. The lowlands with a few months ice-free have tundra vegetation. They include the coastal stripe of Greenland, the barren grounds of northern Canada, and Alaska and the Arctic seaboard of Eurasia. सो गाइज बेसिकली जहां पे भी कोस्टल रीजन होगा इन रीजन में जहां पे भी कोस्टल रीजन है तो वहां पे बेसिकली आपको थोड़ी बहुत वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी बट ये कौन सी वेजिटेशन होगी दिस विल बी वेजिटेशन ठीक है ये टुंडरा वेजिटेशन होगी सो इन द सन एमोस्फेयर द वर्चुअली इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिक ग्रेटेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ आइस कैप वेयर द लेयर्स ऑफ परमानेंट आइस आर एज थिक थी थाउजेंड फीट

ओके मीन एनुअल इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कहने वाला यह है कि मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा कोल्ड क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा ओके सो बेसिकली होता क्या है कि इक्वेटर uh, पे सन जब है तो यहां ये यह सन रेज एकदम सीधा पड़ रही है लेकिन अब यहाँ की कंडीशन आप देखोगे तो यहाँ इस वक्त सन मतलब इसको सन मान लेते हैं वैसे मून जैसा ही दिख रहा है मून है वैसे ये इसको हम एक थोड़ी देर के लिए रेड करके इसको सन मान लेते हैं तो यहाँ पे सन क्या है बेसिकली एकदम वर्टिकली ऊपर रहेगा छ महीने तक ठीक है और ये क्वेश्चन था था जो 2018 के प्रीलिम्स में पूछा भी गया कि पर्टिकुलर टाइम पे जो है द सन द सन नेवर सेट्स बिलो द होराइजन ठीक है तो ये वाला जो रीजन है बेसिकली सन एकदम इसके ऊपर है छह महीने तक यहाँ पे जो है एकदम डे निकला रहेगा दिन निकला रहेगा छह महीने तक Or basically, what happens? It starts melting snow, it starts melting snow caps and glaciers. Okay. In mid-winter, temperatures are as much uh, colder in the interior low as minus 35 degree Fahrenheit and much colder in the interior. Normally, not more than four months have temperature above freezing point. Winters are long and very severe, summers are cool and brief. Within the Arctic and the Antarctic Circle, there are weeks of continuous darkness.

लाइंस में से एज इट इज निकाले हुए देख सकते हैं आप इसमें ठीक है क्वेश्चन आप इसमें एज इट इज निकाले हुए देख सकते हैं यस यस गाइस इतना क्लियर है सबको ओके okay. सो इट हैज़ लिटिल पावर लेफ्ट टू रेज द एयर टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है कि देखो सन रेज यहाँ पे सीधी पड़ रही होती है कुछ आ, कुछ ईयर के कुछ मंथ्स में लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि एक तो मैक्सिमम जो सन रेज है वो एल प्रोसेस से क्या है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और जो बच्ची खुची सन रेज है वो बेसिकली आइस को मेल्ट करने में यूज हो जाती है टेम्परेचर राइज नहीं हो पाता है यही सिंपल एक रीज़न है यहाँ पे पूरी कहानी इस स्लाइड पर यही लिखी हुई है ओके सो नॉर्थ पोल जो है विंटर्स के टाइम पे आपको ऐसा दिखाई देगा ठीक हाँ है और पोलर लाइट्स आपकी यहाँ पे गिरती हुई आपको दिखाई देंगे एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सीन भी बनता है यहाँ पे राइट सो प्रेसिपिटेशन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड स्नो ओके स्नोफॉल स्नो विद वेरीज इट मे फॉल आइदर एज आइस क्रिस्टल और लार्ज अमन गड स्नो फ्लेक्स तो दोनों तरीके से यहाँ पे स्नोफॉल होगी और भाई रेनफॉल का तो मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा राइट तो ये बेसिकली मेनली जो यहाँ पे वो स्नोफॉल ही रहती है लेकिन यस कुछ टाइम के लिए कन्वेक्शनल रेनफॉल कहीं पे हो सकती है वो ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ वेरिएशन यहाँ के क्लाइमेट में देखी जा सकती है ओके चलिए आगे मुंह बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन की बात करते हैं इन सच एन एडवर्स एनवायरमेंट एज द ट्रा फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव द ग्रेटेस्ट इनहेबिटिंग फैक्टर इज द रीजन डेफिशियं इन हीट With a growing season of less than three months and the warmest month not exceeding 50 degree Fahrenheit, there are no trees in the tundra. Such an environment can support only the lowest form of vegetation—mosses, lichens, and sedges. Okay, same thing जो आपको मैंने बोला यहाँ पे, so these are mosses जो काई की तरह आपको दिखाई देंगे यहाँ पे जमीन यहाँ पे, okay, then these are lichens, white-white color की आपको दिखाई देंगी, fungus जैसी लगी वो दिखाई देंगी ये, okay.

Here are found some hardy grasses and a reindeer moss, which provide the only pasturage for the herbivorous animals like reindeer. In the brief summer, when the snows melt and the days are warmer and longer, berry bearing bushes and arctic flowers bloom. Though short lived, they brighten the monotonous tundra landscape into arctic prairies in the summer, and tundra is uh, full of activities. Okay. So, mammals like the wolf. क्सेज मस्क ऑक्टिको इन टूड्रा रीजन तो एक रेट की तरह चूहे की तरह दिखाई देता है और इसका एग्जाम्पल जो है कॉन्टिनें थोरी में एल्फ्रेडर ने भी दिया था एग्जाम्पल ओके सो दीज आर दिन वाटर स्पॉट एंड आर देश प्लांट जो इस रीजन में आपको मिलेंगे ओके ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटीजरास्ट उंटेन्स्रीज दल्टीट इट इजेबिटेबल फॉरमेंट सेमी नोमैटिक लाइफ ही यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको और <coughs> लोगों ने यहाँ के हार्श क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आपको, आपको अडेप्ट भी कर लिया है तो ग्रीन लैंड में नॉर्दर्न कैनेडा और अलास्का में यूलोज ओके एंड जिनकी पॉपुलेशन एट प्रेजेंट इज लेस दैन ट्वेंटी एट थाउजेंड अकॉर्डिंग टू जी सी लिया बुग देवर बेसिकली हंटर्स जो फिश कर फिशिंग करके या फूड गैदरिंग करके अपना जो है आ, मतलब सर्वाइवल करते हैं ओके द पोलर एक्सकीम इज लिंग अराउंड ग्रीनलैंड स्टिल लीड एन अनसर्ट इन लाइफ नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम देयर फोर फादर्स ओके तो ये देयर फूड इज डिराव फ्रॉम फिश सील्स वॉलरस एंड पोलबियर्स यस पोलबियर को भी मार के खा जाते हैं ये ठीक है तो इन सब चीज़ों से ये अपना फूड को ड्राइव करते हैं एस्कीमोस सो so, ये बेसिकली ट्राइबल्स ही हैं, ओके दे आर ट्राइबल्स एंड ये बेसिकली हंटिंग ट्राइब है ठीक है ये बेसिकली क्या है हंटिंग ट्राइब है तो भाई ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है कि भाई जब कहीं पर वेजिटेशन इतनी कोई खास नहीं है ठीक है कल्टिवेशन का कोई ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कोई कल्चर नहीं है तो क्या होगा जो वहां के जो लोग रह रहे होंगे वहां के जो पॉपुलेशन होंगी होगी वो किस पे डिपेंड होगी वो ऐसे ही एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट होंगे ओके यस इन द यूरेशियन टुंड्रा आर अदर डोमिक ट्राइब्स लैप्स ऑफ नॉर्थ फिनलैंड एंड स्कैंडिनेविया द स्कैंडिया ऑफ साइबेरिया फ्रॉम द दूराल माउंटेन्स एंड द बेसिन एंड फ्रॉम द लीना बेसिन एंड द एंड चुक्ची ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एशिया सो इन द सेम वे जैसे एस्कीमोज का हमने आपको बताया इन द एस्कीमोज की तरह ये भी ट्राइब्स है जैसे लैप्स ऑफ फिनलैंड

तो वो धीरे धीरे क्या अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते हैं और एक ही जगह अपने आप को सेटल करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या ये ये भी पॉपुलेशन ये भी जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है दे आर गेटिंग सेटल्ड ठीक है और सेटल होने के लिए क्या है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करनी स्टार्ट कर देंगे मान लो एनिमल के फर्स हैं तो उनको खुद भी यूज कर रहे हैं और फर्स को आगे ये कमर्शियल लेवल पर सेल भी कहीं कर सकते हैं राइट सो so, आगे मुँह कर हैं इस सो दिस इज अ वाइल्ड लाइफ इन आर्टिक रीजन मैक्सिमम सब वाइट ही मिलेगा कलर में यहाँ पे आपको ओके द इम्पॉर्टेंस एंड रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिक रीजन द आर्टिक रीजन रिगार्डिड एज कम्प्लीटली यूजलेस इज नाउ हैव सम इकोमिक इम्पॉर्टेंस अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट्स वेरियस गवर्मेंट्स इन असिस्टिंग द एडवासमेंट ऑफ आर्टिक्स द स्कीमो लैब्स एक्सेट्रा न्यू सेटलमेंट है डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स तो मिनरल्स बेसिकली इस रीजन में हमने डिस्कवर कर लिया है ठीक है गोल्ड माइन मिल गई है इन अलास्का में निकल पेटसैमो राइट उसके अलावा इन कैनेडियन रीजन में कॉपर माइंस भी यहाँ पे मिल रही है <coughs> इसके अलावा कोल भी यहाँ पे मिल रहा है और इसी चीज़ को वैगनर ने भी आइडेंटिफाई किया कि भाई कोल तो ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पर यू नो डेंस वेजिटेशन होगी वो वेजिटेशन सॉयल से या किसी लैंड स्लाइड में कवर हो गई और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में आफ्टर मैनी मिलियंस ईयर्स आफ्टर many मिलियन ईयर्स ये क्या होगा कोल में कन्वर्ट हो जाएंगी तो यही चीज़ जो है वैगनर भी आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई कोल जो है अलास्का में क्यों मिल रहा है इतने ठंडे रीजन में जबकि कोल जो है मिलेगा कहाँ पे? जहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन होगी जहाँ पे वेजिटेशन बहुत डेंस होगी तो वहाँ पे जो है ये वेजिटेशन बाद में जब कवर हो जाएगी सॉयल से या किसी लैंड से तो मिलियन ऑफ यस तक ये ऐसी पड़ी रहेगी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में दे विल गेट कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोकार्बन सो द न्यू रेलवे लाइन्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग द ओस टू सेंट लॉरेंस रिवर for subsequent shipment to the major industrial districts, rich deposits of iron ores at kiruna and gallivare in sweden have made it possible for sweden to enjoy a prosperous export trade in iron and steel and other metallurgical products. with the establishment of ports on the arctic seaboard of eurasia, it is now possible to ship timber and fur from siberia. yes, st. lawrence river in winter. this is the condition. Freeze अपर सर्फेस फ्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है इस अपर सर्फेस को क्या बोलते हैं फ्लो इसको क्या बोलते हैं फ्लो बोलते हैं एफ एल ओ ईर्ग ये बेसिकली इसने क्या करा है कि आइस ऊपर जम गई है तो अब क्या है कि इसने पानी में वाटर में हीट को ट्रैप कर लिया तो पूरी लेक जो है फ्रीज नहीं होगी इसकी इसमें ओके सो दो दो सच एज दई कैट द माउथ ऑफ दी आर नॉट आइस फ्री मॉडर्न आइस ब्रेकर्स की पैसेज ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखो अब होता क्या है कि आइस ब्रेकर्स अब लगे होते हैं Uh, जो शिप्स वगैरह होते हैं उनके आगे आइस कटर्स लगे होते हैं तो अगर कोई मान लीजिए कोई ग्लेशियर भी आ गया कोई आइस बर्ग भी अगर आ गया है तो ये शिप्स जो है बेसिकली इसको काटते हुए इसको कटिंग करते हुए जो है आगे मुखर जाते हैं ऑन द आर्टिक लोलैंड वेयर द ग्रोइंग सीजन इज लैंड बाय वार्म करेंट्स और हाई टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कैंड आउट टू डिवाइस वैराइटीज ऑफ हार्डी सीरियल्स फॉर लोकल नीड्स it may not be long before the tundra is brought under greater agricultural, especially pastoral use. the healthy air and its preservative qualities are factors worth consideration for future colonization. scientists, meteorologists, and explorers have lived in the arctic and antarctic region, making studies of their geology. Oh, making studies of their geology, weather condition, plant and animal life that will be of great significance in years to come. तो so, देखो ये भी एक रिसोर्स रिच रीजन है और ऑयल रिजर्व्स के भी एक्सपेक्टेशन है कि ऑयल रिजर्व्स इसके नीचे काफ़ी हमें मिलेंगी लेकिन वही बात है कि अभी ये रिसर्च रिसर्चिंग वाला रिसर्च वाला एरिया है और फिर क्या है कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कुछ ऐसे हैं कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज भी ऐसे हैं कि जहाँ पे आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे एक्सप्लोर्ट नहीं कर सकते हो अगर मैं बात करूँ अंटार्कटिक ट्रीटी की तो एंटार्कटिक ट्रिटी पर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉस दिए हुए हैं कि भाई आप जो भी रिसोर्सेज हैं आप उन पर रिसर्च कर सकते हो बट आप उसको कमर्शियली एक्सप्लॉर्ट नहीं कर सकते हैं ओके

यहाँ पूछा गया इनकरेक्ट कोड तो इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है दोनों सही है तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नाइडर वन नॉट टू तो। नाइडर वन नॉट टू लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सडन हेमस्फेयर द वर्चुअली अनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिक इज द ग्रेटेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ आइस कैप वेयर द लेयर्स ऑफ परमानेंट आइस आर एज थिक एज टेन थाउजेंड फीट सेकेंड अ पोलर क्लाइमेट इज करेक्टराइज बाय अ वेरी लो मीन एनुअल टेम्परेचर एंड इट्स वार्मेस्ट मंथ इन जून सेल्डम राइजेस टू मोर देन फिफ्टी डिग्री फाइव चूज द करेक्ट कोड क्वेश्चन नंबर टू चूज द करेक्ट कोड गाइज तो देखो यहाँ पे दोनों स्ट्रीटमेंट्स Yes, donor statements correct guys. So your answer will be option C, both one and two. Okay. Let us come to the next question. Question number three. Within the Arctic and the Antarctic circle, there are weeks of continuous darkness. Second, at the North Pole, there are six months without light in winter. Third, temperature remains low because the sun is low in the sky and much of the warmth of its faint.

Number one, frost occurs at any time and blizzards reaching a velocity of 130 miles an hour are not infrequent. Second, in coastal districts where warmer water meets cold land, thick foes may develop. Choose the incorrect code. Yes, question number four. सो so गाइज यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बहुत सारे स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट ना टू क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है ठीक है तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है दोनों करेक्ट हैं एकदम मतलब दोनों से कोई भी सही नहीं दोनों ही सही है कोई गलत नहीं है इनमें से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फाइव सो प्रेसिपिटेशन इन पोलर रीजन कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लाइट नॉट मोर देन ट्वेल्व इंचज इन अ ईयर सेकेंड कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑल्सो अकर्स हियर चूज द करेक्ट कोड क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव सो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वन ओनली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वन ओनली। ओके सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे सेशन दिस वॉज द लास्ट सेशन ठीक है दिस वॉज द लास्ट सेशन ऑफ जी सी ले फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट क्लास टेंथ एनसीआरटी क्लास टेंथ के एन सी आर टी के लिए स्टार्ट करेंगे और बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे समझेंगे ठीक है तो ध्यान से पूरा सेशन को अटेंड करिएगा ओके दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट अभी थ्री पी पे हम दोबारा मिलेंगे आंसर राइटिंग सेशन के लिए लाइव ठीक है लाइव आंसर राइटिंग सेशन Okay, so guys till then, bye bye, take care, thank you.